दोस्ती के ऊपर से भरोसा उठ गया मेरा सारा। नहीं है मेरा कोई भी दोस्त अब जिस दुनिया में। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे, खुश बात होंगे। भाई हम लोग आज आए हुए हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, तो सोचा व्लॉग भी बना लेते हैं। अभी हम आए यहाँ पर खेतों की तरफ आए हैं थोड़ा जैसा, और रोड भी आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, सर्विस रोड है। जा रहे हैं भाई हम थोड़ा उधर कमरे की तरफ, तो वहाँ से थोड़ा सा ऐसा काम था, इसको मोबाइल लेके देना था इस दोस्त को, नो नो नो, तो इसको मोबाइल लेके देंगे। काफ़ी दिनों से ज़िद पे लगा हुआ है भाई, मोबाइल लेना है, मोबाइल लेना है, मोबाइल लेना है। तो मैंने बोला चलो भाई ले लेते हैं मोबाइल भी आज। तो एनीवे अभी तक आप लोगों ने यूसफ पर व्लॉग गेम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो ज्वाइन, और बेल नोटिफिकेशन कॉल प्लीज चेक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस गंजे की भी सुन लो, ये भी कहता है यार तेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो सब्सक्राइब करो यार। इस गंजे को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, 200 सब्सक्राइब होने चाहिए इस वीडियो के ऊपर। I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never. हाँ जी, तो यार काफ़ी पूरा दिन घूमे 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 घूमे, कोई मोबाइल पसंद नहीं आया लड़के को, पार करा दिया मेरे को गधे ने। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, बड़ा कोई गधा किस्म का बंदा है यार ये, गजब बेइज्जती है। पार करा दिया मुझे, तकरीबन 6 घंटे घुमाता रहा और गंदी तरह से ख्वार किया इसने मेरे को। अभी आया हूँ यहाँ पे थका हारा हुआ। हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर डे जी, न्यू डे है, जुमे का दिन है, आप लोग देख सकते हो कोई एक हफ्ते से कपड़े नहीं बदलाए थे, आज जाके हमने कपड़े बदलाए हैं, मुँह धोया, नहाए धोए हैं यार, कोई सालों की मैल उतारी है अपने ऊपर से। अच्छा और जुमे का दिन है, काफ़ी बोरिंग दिन है, जैसे मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ बोरिंग देने, कोई काम काज नहीं होता है इस दिन के अंदर। और बाकी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर दरख्तों को आप लोग देख सकते हो, सूखे पड़े हुए हैं दरख्त सारे, और ठंड हो रही है, ठंड आहिस्ता आहिस्ता मेरे यार ठंडे हो रहे हैं, ठंड होती जा रही है यार, समझ नहीं आ रही क्या करे बंदा, कहीं जा भी नहीं सकता, यहाँ कोई घूमने की जगह नहीं है, कोई दोस्त मेरा नहीं है यहाँ पर, कोई मेरा दोस्ती के ऊपर से भरोसा उठ गया मेरा सारा। नहीं है मेरा कोई भी दोस्त अब जिस दुनिया में, अकेला रहना चाहता हूँ, अकेला ठीक हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त माहौल में, और आप लोग मेरे साथ हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है, हम आपस में दोस्त हैं, मेरा कोई इस दुनिया में दोस्त नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। एनीवे अभी चलते हैं यार, बाइक को मैंने आप लोग देख सकते हो बाइक सर्विस करवाई थी मैंने कल ही, कल बाइक सर्विस करवाई है और काफी चमक सी लग रही है बाइक, चलते हैं किधर बाहर की तरफ। चाय वाय के लिए रुका मैं, तो चाय पी कर जो है ना फिर मैं निकल आया आगे पीछे घूमने के लिए, क्योंकि जुम्मा है, जुम्मे का दिन वैसे थोड़ा बोरिंग बोरिंग होता है, दुकान बंद होती है तो टाइम पास नहीं हो पाता ना, तो मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को मैं दिखाता चलूँ। ये दरिया है, दरिया अबासीन, और आप लोग देख सकते हो मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए आया हूँ, सिर्फ इस चीज़ के लिए, सनसेट के लिए, ये सूरज ग़ुरूब होने के लिए आया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार काफ़ी जो है ना ज़बरदस्त किस्म का पानी है, और पानी रुका हुआ है, पीछे से आ रहा नहीं है, तरबेला डैम से पानी नहीं छोड़ा गया, तो यहाँ पे अभी पानी आहिस्ता आहिस्ता करते करते ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा है कि ये पानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, आपको मैं बताता चलूँ, ये ऊपर ऊपर तक जिधर मेरी बाइक खड़ी हुई है पानी यहाँ यहाँ तक होता है गर्मियों में जो है, अभी जो है ना सर्दियां आ गई हैं तो पानी आप लोग देख सकते हो काफ़ी ऐसे रुका पड़ा हुआ है, और माशाल्लाह यार क्या व्यू मिला है मुझे यहाँ पे आके, काफ़ी मज़ा आया यार। मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ये जगह पंजाब में है, और अगर मैं
अगर मैं इधर से उस साइड पे जाता हूँ तो मुझे नारायण का, ये नारायण का गान बोल रहा हूँ, केपी के मिलेगा। तो केपी के में यही रास्ता है बस, ये अगर दरिया बीच में से ख़त्म हो जाए तो उस साइड केपी के। तो मैं अटक की एक गांव हारून से बिलोंग करता हूं, तो ये एक यूसी है। मैं घूमने के लिए मैंने सनसेट देखा, मैंने बोला इस जगह पे सनसेट बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन यहां पे सुनसान है, एक खौफनाक सा सिस्टम है। तो मैं यहां पे बैठ के सनसेट देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाता हूं। तो यार मैं यहां पे आया था और अपने साथ में ले के आया हूँ समोसे, क्योंकि रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, भूख लगी हुई थी मुझे काफ़ी। मैं साथ में समोसे लेके आया, इसको टेस्ट करते हैं। ओए हो नाइस, ए वन, वेरी क्यूट, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। गांव के लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं, गांव के लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं समोसे। और यार देख सकते हो आधा आधा सूरज डूब गया है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर बैठ के, और समोसे भी खाओ और साथ में सूरज गुरूब होता भी इंजॉय करो। आपके भी अगर गांव में कोई ऐसी जगह है तो लाजमी जाया करो यार, बंदा थोड़ा सा ऐसा रिलैक्स हो जाता है, दुनिया की टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, बंदा थोड़ा रिलैक्स होकर ये चीज़ देखता है तो अच्छा फील होता है बंदे को। आप भी जाया करें, ठीक है। वो पीछे देखो मिनटों सेकेंडों में जो है ना सूरज गुरूब हो गया, पता ही नहीं चला सूरज गुरूब होने का। देखो यार कितना ज़बरदस्त भी हुए। तो मैं यही देखने के लिए आया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगा, व्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ व्लॉग्स के अंदर, ताकि हमें भी व्लॉग करने का मज़ा आए और अच्छे अच्छे कंटेंट आए आपके आगे। तो व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ओके।